नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा के केरवा सुखबाना में कचरा डंपिंग के खिलाफ निकाला प्रतिवाद मार्च, उपायुक्त गढ़वा को सौंपा ज्ञापन। गौरतलब है कि गढ़वा नगर पालिका के द्वारा केरवा सुखबाना में कचरा डंपिंग किया जा रहा था, जहां के स्थानीय ग्रामीणों ने भारतीय समाजवादी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष याकूब इकबाल के नेतृत्व में काफी संख्या में लोग गढ़वा समाहरणालय पहुँच उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। याकूब इकबाल ने बताया कि ये ग्रामीण सुखबाना के केरवा टोला में हम लोग अभी हैं और ये सभी लोग यहाँ के निवासी हैं, ग्राम केरवा टोला के सुखबाना के निवासी हैं। चूँकि अभी नगर परिषद के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो है ये ज़मीनें जो है एक्वायर की जा रही है कचरा डंप प्रोसेसिंग यार्ड बनाने के वास्ते। चूँकि यहाँ पर हम बताते चले मीडिया बंधु के माध्यम से, ये जो है कि हम जो है न्यूज़ जो है सरकार को देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर अगल बगल जितने भी घर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए शिव मंदिर का जो है कि स्थान है, ये जो है कि अर्धनिर्मित है और यह बगल में जो देख रहे हैं ये बजरंग जो है मंदिर निर्मित हो रही है और इसी प्लॉट पर जो है कि नगर परिषद और प्रशासन के द्वारा ये जो है कि कचरा यार्ड प्रस्तावित किया गया है, जहाँ पर अगल बगल जितने लोग देख रहे हैं काफ़ी दलित अनुसूचित समाज के लोग रहते हैं, जो इनको सरकार के द्वारा 85-86 में जो है कि पट्टा निर्गत किया गया था, आठ कट्ठा समथिंग जो है लोगों को दिया गया है, जो अभी इनके पास यही जीवोपार्जन का एक मात्र साधन है। इससे जो है कि सब्जी और अनाज उपजा करके अपना गरीब बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं, लेकिन इसको भी जो है कचरा यार्ड के नाम पर जो है कि यहाँ का नगर परिषद और प्रशासन के द्वारा जो है कि जीएम लैंड कहकर कि इसको एक्वायर करने का जो है कि साजिश चल रहा है। और हम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ जो है कि एकदम बिल्कुल निर्धन और गरीब लोग रहते हैं और इनकी जो है कि ये जो ज़मीन है ये खेती योग्य ज़मीन है, ये आप देख रहे हैं कि ये खेती होता है, ये देखिए इधर लहलाते सब्जियाँ देख रहे हैं आप, सब्जी है ये जो है कि सब्जी उपजा करके यहाँ के जो है दलित समाज के लोग जो है ये जो है कि अपने गरीब बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं, ये जो लहलाते सब्जी देख रहे हैं ये सब जो है कि सब जो है दलित समाज के लोग हैं, अनुसूचित समाज के लोग हैं, जो इनके पास इस भूमि की सेवा और जीव को उपार्जन के लिए अपने बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि नगर परिषद और जो है प्रशासन के द्वारा ये भूमि पर जो है कि जो है कचरा प्रोसेसिंग यार्ड के लिए जो है कि अभी जेसीबी लगा कर जो है कि ये किया गया था, अभी हम लोग ने ये किया तो अभी जो है कि डीएम भी सर भी यहाँ मौजूद थे, अभी यहाँ से चले गए हैं और इस पर जो है कि मैंने बलपूर्वक इस ज़मीन को जो है हासिल करने की बात कही जा रही है और कही जा रही है कि ये ज़मीन जो दिया गया है ये जो है पट्टा वन रोपण के लिए दिया गया है। बट मेरा ये कहना है संविधान में ये प्रावधान है कि गरीबों के लिए जो है कि ये सारी ज़मीनें सरकार की है, ये गरीबों के लिए जो है ये जब 30-35 साल पहले जब दे दिया गया है तो अब इनके सामने इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए हम आग्रह करते हैं पत्रकार बंधुओं से कि ये जो है कि सरकार ये जो है सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, इसका जो है कि यहाँ पर लोग जो है इसका ज्ञापन अभी हम जो है कि उपायुक्त महोदय के समक्ष जो है कि सारी बातों को रखते हुए उनके द्वारा समझ लीजिए कि हम अपनी बातों को यहाँ की जनता की बातों को जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार दिल्ली, माननीय नगर विकास भारतीय सरकार जो है कि दिल्ली और मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, नगर विकास मंत्री झारखंड सरकार और स्थानीय सांसद महोदय, विधायक महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी में उपायुक्त महोदय के द्वारा जो है कि ये शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन शिवधारी राम जी को भी मैं इसका ज्ञापन लिखित दे रहा हूं, जिस पर तमाम लोगों का जो है कि सहमति है, बगैर औपचारिकताएं पूरी किए हुए किसी के सहमति को नहीं लेते हुए ये जो है कि खेती योग्य ज़मीन है जो ये जो है शासन प्रशासन जो है कि एक्वायर करके यहाँ के लोगों को भूखों मरने के लिए जो है छोड़ देना चाहती है, ये काफ़ी निंदनीय है। मैं भारतीय समाजवादी पार्टी याकूब इकबाल इस चीज़ की काफ़ी भर्त्सना करता हूँ, ये काफ़ी निंदनीय है, गरीबों की ज़मीन छीनना काफ़ी निंदनीय है। मैं इस याकूब इकबाल भारतीय समाजवादी पार्टी इनके लिए अगर ये नगर परिषद नहीं मानता है तो जनहित याचिका करना पड़ेगा तो भी मैं करूँगा। नमस्ते। मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। धन्यवाद।